हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने कंप्यूटर सीखना शुरू किया है या सीखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए ही है, ठीक है। तो आप सब इस कोर्स को देख सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो होता है, कोई भी हमसे पूछ लेता है नॉर्मली कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। जब आप कंप्यूटर सीखने जाएंगे, ठीक है, तो वो भी आपको सबसे पहले यही सिखाएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली एक छोटी सी मीनिंग होती है इसकी, आसान, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये हो तो हो गया इंग्लिश में बात, ठीक है, कि कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हिंदी में, तो हिंदी में कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो हम नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है, तो इसको हम जानते हैं हिंदी में क्या है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एक प्रकार का यंत्र है जो चीजों की गणना करने में हमारी मदद करता है। इसको हिंदी में संगणक भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक भी कहते हैं। ये करता क्या है, ये चीजों की गणना करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप जान चुके होंगे कि हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को और इंग्लिश में क्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके जनरेशन के बारे में, किसके बारे में, जनरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसकी नॉलेज पहले बता देता हूँ आपको कि 5 जनरेशन होती हैं। कितनी होती है, 5 जनरेशन होती है, वो मैं अभी आपको बारीकी से समझाऊंगा। पहले हम बात कर लेते फर्स्ट जनरेशन के बारे में, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो आई थी हमारी 1940, ठीक है। कब आई थी, 1940, ठीक है, 1940 को हमारी फर्स्ट जनरेशन मार्केट में आई थी, ठीक है। और ये कब तक चली थी, ये चली थी हमारी 1952, मतलब कि 1952 तक, ठीक है। इसके बाद हमारे उस टाइम बहुत सारा ज़्यादा कंप्यूटर नहीं थे, बट 2-3 कंप्यूटर थे। तो उनमें से उनके नाम है, जैसे कि मान लेते हैं पहला जो नाम है कंप्यूटर का EDSAC और EDVS, ठीक है। तो यह कंप्यूटर के नाम है उस टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुझे आप तुक्का लगा सकते हैं, नॉर्मली आप तुक्का लगा सकते हैं कि मान के चलते हैं पिछले जमाने में कंप्यूटर कितने बड़े होंगे, नॉर्मली उनका जो साइज होगा, ठीक है, तो वो कितना बड़ा हो सकता है, नॉर्मली इतना सा, इतना भी हो सकता है, इतना या इतना, ठीक है। तो नॉर्मली मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पहले जो वाले जो कंप्यूटर थे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे, ठीक है। नॉर्मली इनका जो साइज था वो एक बड़े से हॉल के बराबर था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन जो आई थी वो आई थी हमारी 1952, ठीक है। कब आई थी, 1952 में, मतलब कि 1952 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब स्टार्ट होते 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 नॉर्मली इसका जो टाइम एंडिंग टाइम है, मतलब, ठीक है, मतलब कि अब इसकी जो समाप्ति हुई थी वो समाप्ति हुई थी 1964, मतलब कि 1964 में हमारा क्या, सेकेंड जनरेशन का एंड हो चुका था, ठीक है। इसके इस टाइम के जो कंप्यूटर थे उनका कुछ नाम है, जैसे कि उस टाइम के जो कंप्यूटर थे उनका नाम था IBM 7, ठीक है, 7001, ICL 9001, ठीक है, 9001। तो ये हमारे कंप्यूटर के नाम थे उस टाइम के, ठीक है। इसी के साथ फिर दोबारा, अब हमने ये तो जान लिया कि फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि बड़े से हॉल के बराबर था। अब जो हमारा सेकंड कंप्यूटर है वो कितना बड़ा होना चाहिए, नॉर्मली कितना बड़ा होना चाहिए या हो था उस टाइम, तो आप नॉर्मली तुक्का लगा सकते हैं, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि कितना बड़ा था कंप्यूटर, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतना बड़ा हमारा उस टाइम का कंप्यूटर था, ठीक है। ये पूरा जो भी है ये हमारा सेकंड कंप्यूटर है, ठीक है, पूरा।
तो नॉर्मली इसकी जो लेंथ थी, मतलब कि इसकी जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो नॉर्मली एक बड़े से रूम के बराबर थी, हॉल के बराबर नहीं थी, एक बड़े से रूम के बराबर थी, ठीक है, मैक्सिमम रूम के बराबर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले थर्ड जनरेशन के बारे में। किसके बारे में? थर्ड जनरेशन के बारे में। जो थर्ड जनरेशन आई थी वो आई थी हमारी 1964। कब आई थी हमारी? 1964, मतलब कि 1964 में हमारी थर्ड जनरेशन मार्केट में आई थी, ठीक है। अब ये कब तक चली थी? तो ये हमारी चली थी 1971, मतलब कि 1971 तक, ठीक है। कितनी? 1971 तक हमारी थर्ड जनरेशन चली थी, ठीक है। उस जनरेशन के जो नाम थे वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, IBM 360, मतलब IBM 360 है, और CDC 1700, ठीक है। तो ये उस टाइम के कुछ नाम थे। और इसकी जो साइज था, नॉर्मली इसका मैक्सिमम जो साइज था वो नॉर्मली एक बड़े से फ्रिज के बराबर था, ठीक है। बड़े से क्या? फ्रिज के बराबर था, या मान लीजिए एक बड़े सी अलमारी के बराबर था उसका साइज, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। साइड में आपके पास पिक्चर आ चुकी है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा उस टाइम का कंप्यूटर था, ठीक है। नॉर्मली एक बड़े से फ्रिज के बराबर या एक बड़ी सी अलमारी के बराबर, ठीक है। अब हम बात कर लेते फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो जो फोर्थ जनरेशन जो आई थी हमारी मार्केट में, ये आई थी 1971, और अभी तक नॉर्मली बहुत जगहों पर ये चल रही है, ठीक है। अभी इसका एंड नहीं हुआ। अब नॉर्मली आप किसी शॉप में जाते हैं, वहीं पे भी आप कभी ना कभी उस टाइम के कंप्यूटर देख सकते हैं, 1971 के कंप्यूटर देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक उसका एंड नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ नाम है एप्पल, DCM एक्सेट्रा। एप्पल का तो अभी तक आप, एप्पल एक कंपनी है और नॉर्मली आप सब जानते भी हैं, ठीक है, एप्पल कंपनी के बारे में। तो ये उस टाइम के कंप्यूटर, ठीक है। नॉर्मली ये किसी भी, अगर पुरानी शॉप में चले जाएं, किसी भी अदर शॉप में चले जाएं, तो आपको इस तरह के कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जनरेशन का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पार्ट्स, ठीक है। हमारे जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मॉनिटर। क्या आता है? मॉनिटर, ठीक है। तो ये आ गया आपके स्क्रीन पर, उसका भी नाम, इसको बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है, जो हमें दिखाने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? दिखाने का काम करता है कुछ भी, ऑल ऑफ थिंग्स, चीजों को, ठीक है। जैसे हमारी मोबाइल है, मोबाइल चीजों को दिखाने का काम करता है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये जान लेते हैं इसको, ये क्या है? ये CPU, ठीक है। क्या है ये? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है, जैसे कि हमारे दिमाग, हमारा शरीर, ठीक है। तो ये क्या, हमारे जैसे कि हमारे शरीर में दिमाग है, वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है, उसी तरीके CPU भी हर चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंप्यूटर की, ठीक है। तो नॉर्मली हम CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है? CPU, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रेन क्या होता है कंप्यूटर का, तो CPU, ठीक है। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मतलब कि दिमाग। इसके बाद आते हैं हमारे ये माउस, ठीक है। तो नॉर्मली इसको बोलते हैं माउस, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रिंटर। तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगली आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कीबोर्ड। नॉर्मली आप टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्पीकर। क्या आता है हमारा? स्पीकर। जो भी आप कुछ भी सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो हमें आवाज़ की जरूरत होती है, ठीक है। आवाज़ की क्या होगी? जरूरत होगी। तो वो आवाज़ कहाँ से आएगी? स्पीकर से, ठीक है। तो नॉर्मली कंप्यूटर के लिए स्पीकर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जान लिया, ठीक है। तो नॉर्मली मैक्सिमम यही पार्ट्स होते हैं, बाकी एक दो और ही पार्ट्स होते हैं, वो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आप इतने पार्ट्स को याद रखिए। इसके बाद आते हैं हमारे हार्डवेयर। क्या होते हैं? हार्डवेयर, ठीक है। व्हाट इज हार्डवेयर? नॉर्मली हार्डवेयर क्या है, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर को अगर इंग्लिश में बोला जाए, द थिंग्स,
वी कैन टच और सी इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बताया तो इसका मतलब क्या होता है, हम जिन चीजों को छू और देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये पेन है? तो नॉर्मली ये जो पेन है, पेन को क्या कर सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ और नॉर्मली मैं इसको देख भी सकता हूँ, तो ये क्या हुआ, हार्डवेयर। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर। आप समझ गए? ठीक है, और नॉर्मली जितना ही मैं आपको करा रहा हूँ वो आप एक जगह एक कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं अभी हम जानते हैं थोड़ा इंग्लिश में इसको। द थिंग्स वी कैन फील एंड सी आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसको हिंदी में जान लेते हैं थोड़ा। हम जिन चीजों को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं आत्माएं हैं। यस सॉरी, ये आत्माएं जो होती हैं इनको हम देख सकते हैं ना। बहुत से लोग होते हैं जो आत्माओं को देख सकते हैं, ठीक है, पर उनको टच नहीं कर सकते। ठीक, क्या नहीं कर सकते, उनको हम टच नहीं कर सकते पर हम देख सकते हैं, तो नॉन कॉल मी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, और जिनको हम खाली देख सकते हैं, नॉर्मली हम देख सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं पर हम उनको टच नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मली सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम क्या है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। नॉर्मली अब हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस होते क्या। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो हमारी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। नॉर्मली अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी होगी, क्या करनी होगी, कंप्यूटर से बात करनी होगी, नॉर्मली कोई भी मेरी चीज है, ठीक है, जैसे कि मुझे अगर गाना सुनना है तो नॉर्मली मुझे अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो मैं किसका यूज करूंगा, माउस का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली मुझे अपनी बातों को पहुंचाना है तो मैं किसका यूज करूंगा, इनपुट डिवाइस का यूज करूंगा। ठीक है, जो मेरी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाएंगी उनको क्या बोलूंगा मैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माउस और कीबोर्ड। ठीक है, यह पेन लाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो पेन लाइट भी आप जानते ही हैं कुछ पेन की तरह ही होती है। ठीक है, पेन लाइट क्या हो सकती है, कुछ पेन की तरह ही होती है, बट हम उसको कहीं भी टच करा सकते हैं। ठीक है, उसमें जो लाइट निकलती है उससे टच करके हम कोई भी अपनी चीज़ों को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात को कंप्यूटर को समझा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, कि आउटपुट डिवाइस होते क्या है। ठीक है, नॉर्मली अभी हमने जान लिया इनपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के रिजल्ट को हमारी तक, ठीक है, जो कंप्यूटर के रिजल्ट को हमारे तक पहुंचाते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलती हैं अगर कंप्यूटर को भी तो मुझे, ठीक है, अगर मैंने कोई भी चीज टाइपिंग की है, ठीक है, क्या किया, मैंने कोई फाइल बनाई है, तो कंप्यूटर मुझे कैसे देगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर को मेरे पास कोई फाइल को भेजना होगा तो वो कैसे भेजेगा, नॉर्मल प्रिंटर की मदद से भेजेगा। अगर मुझे गाना सुनना होगा, ठीक है, नॉर्मली मैंने माउस का यूज करके कंप्यूटर को अपनी बात तो बता दी, अपनी बात तो बता दी, अब कंप्यूटर अपनी बात मुझे कैसे पहुंचाएगा, नॉर्मली स्पीकर की मदद से। तो ये सब क्या हो रहा है, तो ये जो भी अभी जैसे मैंने अभी क्या बोला, प्रिंटर, स्पीकर, तो ये सभी क्या, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ये कंप्यूटर की बातों को मुझ तक पहुंचा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए, नॉर्मली मेरे कोई भी रिजल्ट को अगर कंप्यूटर मुझ तक पहुंचाना चाहेगा तो नॉर्मली इनपुट डिवाइस का यूज वो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, मॉनिटर, ठीक है, इसके बाद प्रिंटर और स्पीकर। मॉनिटर नॉर्मली इनपुट डिवाइस तो नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों है, क्योंकि जो मॉनिटर है वो केवल हमारी, हमसे कुछ लेता थोड़ा ना, हमें उल्टा क्या कर रहा है, वो दे रहा है, नॉर्मली दिखाने का काम करता है। नॉर्मली क्या कर रहा है, कंप्यूटर की क्या कर रहा है, कंप्यूटर की चीजों को हमें दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद बात कर लेते हम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब नॉर्मली अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है और उनका मतलब क्या है, ठीक है। और ये जो दोनों मेमोरी होती हैं वो हमारे मोबाइल में भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रैम और रोम। तो ये रैम और रोम आपने सुना भी होगा कहीं है। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको पता भी होगा रैम और रोम के बारे में, ठीक है। पर मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ अभी। अभी मैं बात कर लेता हूँ रैम के बारे में, ठीक है। रैम होती क्या है? तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? डाटा स्टोर करती है। क्या करती है हमारी ये? डाटा स्टोर करती है। इसके जो थर्ड पॉइंट है हमारा रीड एंड राइट डाटा, रीड एंड राइट डाटा। इसमें जो भी हमारा डाटा होता है, डाटा मतलब की बातें, ठीक है। नवमी डाटा क्या है? हमारी बातें या हमारी फाइल या कोई भी हमने टाइपिंग की है वो चीजें, वो चीज हमारी क्या हो रही है? डाटा हो रहा है, ठीक है। हमारी बातें क्या है? डाटा है। फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें क्या कर सकते हैं? हमें अपनी जो भी डाटा मतलब कि हमारी जो बातें हैं उनको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, मतलब कि उनको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्या कर रहे हैं? हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बनाई है एमएस वर्ड पे, क्या बनाई है? एक फाइल बनाई है। मैं उस फाइल में क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उस फाइल में चेंजेस भी कर सकता हूँ और उसको पढ़ भी सकता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फाइल भेजी है तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? चेंजेस कर सकता हूँ। यस, मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको पढ़ भी सकता हूँ। तो वो किसमें बना रहा है? नॉर्मली अपना जो डाटा है वो अपनी बातें वो रैम के थ्रू मुझे बता रहा है या अपनी रैम के थ्रू अपनी बातों को उस डाटा में स्टोर कर रहा है, ठीक है। चेंज द डाटा, इसमें क्या हो रहा है? रैम में जो डाटा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो रैम में जो डाटा होता है वो क्या हो सकता है? हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने एक फाइल भेजी है तो नॉर्मली उसके जो डाटा है वो जो उसकी जो बातें हैं फाइल में उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए हो रैम का मतलब क्या है, ठीक है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम अपनी बातों को स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन बातों को हम चेंज भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोम के बारे में। तो रोम का जो पहला मीनिंग ही होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि आप समझ सकते हैं रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़िए, पढ़ने के लिए मेमोरी है, ठीक है। स्टोर डाटा, ये भी क्या करती है? डाटा को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद रीड ओनली डाटा, इसमें क्या हो रहा है हमारा? हम कोई भी जो डाटा है उसको केवल क्या कर रहे हैं? हम रीड कर पाएंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको केवल रीड कर पाएंगे, ठीक है। राइट नहीं कर पाएंगे, हम इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। नो चेंज द डाटा, मतलब कि ये जो डाटा है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे दोस्त ने फाइल भेजी है, क्या भेजी? एक फाइल भेजी है एमएस वर्ड पर, मैंने ओपन किया और उसको मैंने चेंज कर दिया। तो वो जो फाइल बनी थी वो बनी थी रैम में, किसमें बनी थी? रैम में, क्योंकि मैंने उसको चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मली वो रैम में चली गई। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मेरे दोस्त ने, ठीक है, अगर मेरे दोस्त ने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने एमएस वर्ड बनाया है, क्या बनाया? एमएस वर्ड बनाया है, ठीक है। तो उसने मुझे एमएस वर्ड भेज दिया, तो नॉर्मली मैं एमएस वर्ड पर मैं कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। नॉर्मली उसकी जो सॉफ्टवेयर है मैं उसको यूज कर सकता हूँ, पर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? उसकी चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सी ऐप होती हैं, जैसे मान के चलते पबजी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो नॉर्मली हम पबजी को खेल रहे हैं, बट पबजी जिस सॉफ्टवेयर से बना है, ठीक है, नॉर्मली जिसने इसको बनाया उसने अलग तरह से बनाया होगा, उसने जो बनाया है वो उसने बनाया रोम में, ठीक है। क्योंकि पबजी का जो डाटा है उसको हम चेंज कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते, हम केवल उसमें अपने क्या मनोरंजन कर पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको रैम और रोम के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू ट्रैवल डाटा इन कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर में जो हमारी बातें होती हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करती हैं, या डाटा जो होता है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, वो अभी हम एक डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है। तो सबसे पहले आया एक मैन, ठीक है, क्या आया? एक मैन आया। नॉर्मली हम, ठीक है, उस मैन को क्या कर रहा है? वो सबसे पहले अपनी जो बातें हैं वो इनपुट यूनिट को बता रहा है, मतलब कि इनपुट डिवाइस को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद जो इनपुट डिवाइस है
वो सीपीयू को बता रहे हैं, और जो सीपीयू है, सीपीयू और एक्सटर्नल यूनिट ये दोनों मिलकर ठीक है बातों को क्या कर रहे हैं, हमारी जो बातें हैं उनको खोज रहे हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ये बात बताई तो ये कहाँ पर है। तो जब इनको हमारी बातें मिल जाती है तो ये सबसे पहले क्या करता है, आउटपुट यूनिट के पास हमारी बातों को भेज देता है। तो जो आउटपुट यूनिट होती है वो क्या करती है, रिजल्ट को मैन के पास भेज देती है, मतलब कि हमारे पास भेज देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है एक कहानी लेके चलते हैं, मान लेते हैं आप हैं, ठीक है आप सब हैं, अगर आपको एक गाना सुनना है, घर में क्या करना है, आपको एक गाना सुनना है ठीक है, तो आपको गाना सुनने के लिए सबसे पहले माउस को टच करना पड़ेगा। किसको टच करना पड़ेगा, माउस को टच करना पड़ेगा ठीक है। जब माउस को आप मूव करेंगे ठीक है, तो नॉर्मली माउस समझ जाएगा कि हाँ नॉर्मली ये क्या करना चाहता है, ये नॉर्मली गाना सुनना चाहता है। तो ये जो हमारी बातें हैं ये समझ कर नॉर्मली सीपीयू को बताएगा, किसको बताएगा, सीपीयू को। तो सीपीयू और एक्सटर्नल यूनिट, नॉर्मली ये दोनों यूनिट होती हैं वो सीपीयू के अंदर ही होती हैं ठीक है। तो ये दोनों हमारी क्या करेंगे, हमारे डाटा को खोजने की कोशिश करेंगे, मतलब जो हमारी बातें हैं उसके रिजल्ट को खोजने की कोशिश करेंगे ठीक है। जब हमारे बातों में मिल जाएंगी, नॉर्मली अगर हमें गाना सुनना है तो सॉन्ग है ठीक है, ये सॉन्ग को क्या करेगी, खोजेंगी कि हाँ इस व्यक्ति को क्या करना है, सॉन्ग सुनना है, तो सॉन्ग को पहले खोज लेते हैं ठीक है। जब सीपीयू और एक्सटर्नल यूनिट मिलकर सॉन्ग को खोज लेगी, मतलब गाने को खोज लेंगी, तो नॉर्मली ये आउटपुट को भेज देंगी ठीक है। जब आउटपुट को गाना मिल जाएगा तो नॉर्मली वहां से साउंड निकलना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट से साउंड रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल आउटपुट क्या है, स्पीकर ठीक है, आउटपुट यूनिट को हम स्पीकर मान लेते हैं। तो नॉर्मली स्पीकर क्या करेगा, साउंड को निकालने की कोशिश करेगा, नॉर्मली साउंड निकालेगा भी ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, नॉर्मली मैंने इनपुट यूनिट को बताया कि मुझे गाना सुनना है, सीपीयू और एक्सटर्नल यूनिट ने क्या करा, मेरी बातों को खोजा। जब मेरी बातें मिल गई, मतलब कि मेरा जो गाना था, मुझे जो सुनना था गाना वो मिल गया, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आउटपुट को भेज दिया, और आउटपुट ने क्या किया, जो रिजल्ट मिल गया उसको, उसने मुझे भेज दिया, मतलब कि मैन को भेज दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से जो बातें हैं वो वापस घूम रही हैं, मतलब कि बातें ट्रैवल हो रही हैं। अभी तो हमने गाने का एग्जांपल लिया, मान के चलते मुझे, मैंने एक सॉफ्टवेयर, मतलब कि मान लेते हैं सॉफ्टवेयर नहीं, चलो सॉफ्टवेयर ही है, एमएस वर्ड ठीक है, एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया। इसके बाद एमएस वर्ड के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, नॉर्मली अपना नाम लिखना चाहता हूँ, मैं किसका यूज़ करूँगा, इनपुट यूनिट का ठीक है। तो मैन हूँ मैं ठीक है, मतलब कि मैन ने क्या किया, माउस पर टाइप कर दिया, मतलब कि सॉरी कीबोर्ड पर टाइप कर दिया ठीक है, क्या कर दिया, कीबोर्ड की मदद से अपना नाम टाइप किया ठीक है, क्या किया, टाइप किया। तो टाइप जब हम कर देते हैं, तुरंत हम टाइप करते हैं, तो तुरंत ही सीपीयू और एक्सटर्नल यूनिट मूव करने लग जाती है और डाटा को खोजती है ठीक है। डाटा को जब भी खोजती तो आउटपुट को दिखाई, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा तो नॉर्मली आउटपुट की तरफ भेज दिया उसने, और उसने मुझे अपना नाम दिखा दिया, जैसे कि स्क्रीन मॉनिटर, मॉनिटर क्या था, आउटपुट यूनिट थी ना, आउटपुट डिवाइस था, तो उसने मुझे अपना नाम, मतलब कि मेरा नाम दिखा दिया मुझे, जैसे कि विशाल ठीक है। तो आप समझ गए किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है ठीक है। इनपुट यूनिट हमसे बातों को ले रही है, सीपीयू और एक्सटर्नल यूनिट हमारी बातों को खोज रही है। जब इनको हमारी बातें मिल जाती हैं, मतलब कि जो हमारी बातों का जो रिजल्ट होता है उन्हें मिल जाता है, तो नॉर्मली आउटपुट की तरफ रिमूव कर देती है, मतलब कि भेज देती है ठीक है, सेंड कर देती है। इसके बाद जो आउटपुट यूनिट होती है, नॉर्मली ये मैन को भी भेज देता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर ठीक है। अगर हमने कोई भी डाटा तैयार किया है ठीक है, तो नॉर्मली अगर कंप्यूटर को मेरे तरह रिजल्ट पहुंचाना है तो नॉर्मल किसका यूज करेगा, आउटपुट का यूज करेगा। नॉर्मल आउटपुट क्या है, डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर। तो नॉर्मल प्रिंटर से हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी डाटा होता है वो इस तरीके से ट्रैवल करता है ठीक है। आने वाले वीडियो हम देखने वाले हैं, नॉर्मली अगली वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक जो नया कंप्यूटर होता है उसका सेटअप करेंगे ठीक है। तो चलिए शुरू कर। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से एक जो कंप्यूटर होता है उसका सेटअप किया जाता है, मतलब कि जितने भी उसके डिवाइस होते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, स्पीकर हो, किस तरीके से सभी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। तो आज ही, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीपीयू और जो मॉनिटर है इसकी डाटा केवल अलग अलग होती हैं, जिसके कारण इनको चालू किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो केबल है उनको उनके साथ अटैच करेंगे, जैसे कि सीपीयू की अलग होगी और मॉनिटर की अलग होगी। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने डाटा केबल को लिया जो सीपीयू की थी उसमें उसको अटैच कर दिया। और आप सबको इसी तरीके से जैसे मैं अटैच कर रहा हूँ वैसे ही आपको अटैच करनी है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर मॉनिटर को अपने हाथ में लिया और इसके जो पीछे हैं जो बैक साइड है, बैक साइड में एक जगह होगी जहाँ पर पिन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर मैंने इसके जो डिवाइस है मतलब इसका जो डाटा केबल है उसको कनेक्ट किया, जिसके कारण चालू हो सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों की जो डाटा केबल थी वो अटैच कर दी है। अब इसके बाद हमारे पास एक अलग केबल आती है जो कि मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करती है। हाँ बिल्कुल सही, आप जो सामने देख रहे हैं वो ही है जो सीपीयू और मॉनिटर को कनेक्ट करेगी। तो मैं सबसे पहले ये जो केबल है इसको सीपीयू में कनेक्ट करता हूँ। दोनों तरफ के जो बोल्ट हैं उनको कस दिया। इसी के साथ जैसे मैंने सीपीयू के साथ के वैसे ही अब मॉनिटर के साथ भी करूँगा, मतलब कि इसको जॉइंट करूँगा मॉनिटर के साथ। तो लीजिए मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया। जैसे अब इसके बाद जो सीपीयू के जो बैक है, जैसे कि आप सीपीयू के बैक देख सकती हैं, जो सीपीयू के बैक है अब इसके पीछे मैं कनेक्ट करूंगा अपने जो भी डिवाइस, जैसे कि मेरा कीबोर्ड है, माउस है, इसी के साथ जो स्पीकर है उसको कनेक्ट करूंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें केबल है वो मैं ना सीपीयू के साथ अटैच कर रहा हूं। आप सबको वैसे ही अटैच करनी जैसे मैं अटैच कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मेरी जो सारी केबल थी कीबोर्ड की होगी, माउस की होगी और स्पीकर की, मैंने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर दी। इस तरीके से हमारा जो सेटअप था वो क्लियर हो चुका है। अब इसको हम करते हैं चालू। अब मैंने सारे तार लगा दिए, अब मैं करता हूँ मॉनिटर को चालू कर देता हूँ। अब हमारा जो मॉनिटर वो चालू हो गया है। अब जैसे कि अगर मैं इस मॉनिटर को बंद करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे लास्ट में स्टार्ट का बटन है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जैसे कि आप साइड पर देख सकते हैं कि शट डाउन का ऑप्शन है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। जब मैं शट डाउन को क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो मॉनिटर है वो बंद हो जाएगा, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं थोड़ा, कंप्यूटर में जो ये चीज़ें इनको बोलते क्या हैं और किस किस काम आती हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब राइट साइड में देख सकते हैं कि इनको बोलते हैं हम आइकन। क्या बोलते हैं हम आइकन, जो भी हमारे स्क्रीन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम आइकन बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कुछ अपने स्क्रीन पर, ठीक है, चिड़िया जैसा आइकन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉकर। क्या बोलते हैं, शॉकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने स्टार्ट बटन से। जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं जो हमारे विंडो के अंदर है, ठीक है। जैसे कि मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, कुछ प्रोग्राम्स हमें दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये सारे जितने भी हमारे, ठीक है, इसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं, ठीक है,
ये इतने सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, हमारे एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ हम थोड़ा इन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजों में होती हैं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे अपडेट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डेस्क, अगर आप अपने डेस्क में कोई भी फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं मुझे अपने डेस्क में कुछ ऐड करना है, तो यहां से मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है, हटा दिया और इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसके साथ तो ये होता है नेट, नेट के लिए, जैसे कि आप मोबाइल में नेट चलाएंगे वैसे ही ये एक्सप्लोरर है, ठीक है, नेट के लिए। इसके ये होता है सेंड एनीवेयर। सेंड एनीवेयर से क्या यूज होता है, अगर आप अपने फोन के कोई फाइल को कंप्यूटर में, ठीक है, भेजना चाहते हैं, ये कंप्यूटर की कोई फाइल है अपने मोबाइल में भेजना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है विंडो डीवीडी। अब ये डीवीडी क्या मेकर है, अगर आपका नॉर्मली अगर आपके सीपीयू में एक डीवीडी का ऑप्शन आता है, ठीक है, अगर आपके नॉर्मली आजकल के, ठीक है, आजकल के कंप्यूटर में डीवीडी का ऑप्शन नहीं आता, पर हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर तो ये आता है, ठीक है, ये तो इसकी मदद से हम अपने सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू में डीवीडी का ऑप्शन ला सकते हैं, मतलब कि डीवीडी को चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। ये होता है फैक्स और स्कैन, ठीक है, जब आपके पास फैक्स और स्कैन होगा तब ये सॉफ्टवेयर काम करने लग जाएगा, ठीक है। ये इसके अब विंडो का है, इसमें कोई नहीं। अब ये होता है, इसके बाद होते हैं प्लेयर, ठीक है, अगर आपको कोई भी गाना सुनना है या कुछ भी करना है, ठीक है, वीडियो देखनी है, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मली हमारी जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं अवेलेबल होता है हमारे, ठीक है, कंप्यूटर में, या हम विंडो का सॉफ्टवेयर डरवाते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद होता है विंडो अपडेट। तो नॉर्मली अगर आपको वीडियो की विंडो में अपडेट आना है तो आप इससे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेल, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए एक मिनट। ये कैलकुलेटर, ठीक है, ये हमारे कमांड्स होते हैं, इसमें आपके आपको कोई दिक्कत नहीं है इसकी। यहाँ पे मैथ इन, इसकी भी आपके नोट पैड, अगर आप कुछ नॉर्मली कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, या आप नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग की, ठीक है, तो अगर आप नोट पैड में प्रैक्टिस करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी, ठीक है, टाइपिंग सीखते हैं, ठीक है। तो नोट पैड में आपको एक बार दिखाए तो ओपन करके देखिए, या आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है विशाल, इसको एक मिनट के लिए काट देते हैं, अभी तो हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं सारे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा एक्सेस में थे हम, ठीक है, नोट पैड हो गया, नॉर्मी रन इनपुट, इनकी कोई दिक्कत नहीं, अगर रिपोर्ट करना है अपने सिस्टम को तो रिपोर्ट कर सकते हैं। स्निफ, अब ये जो ये वाला जो टूल है, ठीक है, ये वाला टूल बहुत काम आता है, ठीक है, अगर आपके डेस्कटॉप में ये टूल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई भी किसी का भी फ्रेम लेना है, जैसे कि मुझे ये चीज़ें देखो, ठीक है, ये चीज़ आ गई और इसको मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ, यहाँ पर गया और सेव का बटन क्लिक किया तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। इसके बाद अब वो थोड़े और देख लेते हैं हम क्या चीजें हैं। ये साउंड रिकॉर्डिंग का है, ये नोट्स का है, ठीक है, ये हमारा होता है विंडो एक्सप्लोरर, ये लाइब्रेरी एक तरह से, ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हमने फाइल बनाई वो होती है, ठीक है, हमारे सारे म्यूजिक होते हैं, ठीक है, हमारे जो भी सॉन्ग है वो सब होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। जैसे कि मैं क्लिक कर दूं तो देखिए ये चीज आ गई, इसके अंदर हमारे सारे एक तरह से लाइब्रेरी है ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट है, मूवी म्यूजिक, ठीक है, ये चीजें। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप, यहाँ से जब हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं
तो हमारी जितनी भी हमारे डेस्कटॉप पे चीजें होंगी वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब देखने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड। अगर आप कोई भी फाइल को ठीक है डाउनलोड करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड होकर इसके बाद रिप्लेस प्लेसेस, तो आपके जितने भी कंप्यूटर में जितनी भी ऑल ऑफ थिंग्स कुछ भी चीज होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जितनी भी मेरे कंप्यूटर में चीजें हैं सब यहाँ पर देखने दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं इसको काटता हूँ और थोड़ा और सिस्टम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कहाँ पर थे। ठीक है, वर्ड पैड भी आप उसी नोट पैड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी टाइपिंग का ही वर्क होता है। इसके बाद हमारी आती है ये चीजें। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ठीक है, वेंडिगम भी एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज नॉर्मली हम अपने जो भी हमारे कंप्यूटर होता है कंप्यूटर के हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मली मैं विंडो वेंडिकम का ही यूज करता हूँ अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे हम मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी तरीके से हम इसकी हेल्प से अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे गेम्स। ठीक है, तो ये गेम्स होते हैं, यहाँ से हम गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गेम को ओपन भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप चेस। ठीक है, तो नॉर्मली अभी तो मुझे खेलना नहीं है तो मैं इसको भी काट देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे गेम्स का खत्म, मेंटेनेंस। तो ये हमारे मेंटेनेंस होती है, अगर आपका सिस्टम ठीक है, अगर आपके सिस्टम में बैकअप करना है ठीक है तो आप बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट एंड सिस्टम रिपेयर डिस्क। ठीक है, यहाँ पर एक हमने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमारे डिस्क रिपेयर होना शुरू हो जाए। इसके बाद अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प और सपोर्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर। ठीक है, विंडो रिमोट एक्सेस। इसके बाद आते हैं हम माइक्रो ऑफिस। क्या आते हैं हमारे माइक्रो ऑफिस, ये ज्यादा मेन होते हैं अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले आप इन चीजों को बारीकी से सीखना। ठीक है, और नॉर्मली जितना भी हमारा काम होता है जैसे कि बैंक में हो गया ठीक है, इसी के साथ साथ किसी ऑफिस में हो गया, स्कूल में हो गया, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर में जो वर्क करता है वो इन्हीं चीजों पर वर्क करता है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, यही चीज हर कोई सिखा रहा है। ठीक है, ये और इसके ऊपर बहुत सारे कोर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ठीक है कोर्स अवेलेबल आपको करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पर कैसे वो वीडियो का आप पूरा देखें तब। कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं स्टार्टअप पर। स्टार्टअप पर कुछ नहीं है, एक नोट पैड है। ठीक है, कुछ नहीं है, मैं ऊपर पहले ही आपको करा दिया था। इसके बाद वीडियो लैम, इसमें भी कुछ नहीं। ठीक है, बस इतने ही जो हमारे जो मेन होते हैं वो आपको मैंने अभी बता दिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ी और पहचान कर लेता हूँ मैं इन चीजों से भी। ठीक है, वेलकम। अगर आप अपनी पूरी अपनी फाइल में वापस जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट हैं, सॉन्ग है, म्यूजिक है, जितना भी कुछ है, यहाँ पर हम वेलकम पे क्लिक करेंगे तो हम एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स हैं, गेम्स हैं, कंप्यूटर। ठीक है, तो ये यहाँ से हम कंप्यूटर पर आ गए, ये हमारे सारे सिस्टम है। ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी के सिस्टम है, इतनी मेमोरी हमारी बढ़ चुकी है, इतनी हमारी बची है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल का बहुत ज़्यादा वर्क होता है हमारा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सिस्टम है सिक्योर। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है सिस्टम है सिक्योर। ठीक है, आप नॉर्मली बोलने से ही पता चल जाता है कि किस काम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगर नेटवर्क, इंटरनेट एंड नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हार्डवेयर एंड साउंड। ठीक है, हार्डवेयर और एक साउंड। ठीक है, ये होता है प्रोग्राम। मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर में किसका प्रोग्राम है, विंडो का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम है। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही। ठीक है,
डिवाइस एंड प्रिंटर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सारे डिवाइस आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एरिया, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे सारे क्या है, डिवाइस आ गए, ठीक है। डिफॉल्ट प्रोग्राम की कोई दिक्कत नहीं आपको, हेल्पर सपोर्ट, हेल्पर सपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग करें जो आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो आपने अपने सारे जितने ही प्रोग्राम्स थे आपने जान लिए कंप्यूटर में कितने कितने सारे प्रोग्राम थे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि इस पर दोबारा क्लिक करके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा बताया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये जो एमएस वर्ड है, ठीक है, जब जो भी हम टाइपिंग करते हैं आपने देखा होगा ऑफिस में, अपने स्कूल में, ठीक है, या बैंक सेक्टर एरिया में, जितनी हमारी फाइलें होती हैं जिसके अंदर लिखने का काम होता है, क्या होता है, लिखने का काम होता है, ठीक है, जितना भी हमारे लिखने का काम होता है सब हमारा एमएस वर्ड पर बनाया जाता है, ठीक है। जितनी हमारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें होती हैं वो एमएस वर्ड पर बनाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है ना वो भी एमएस एक्सेल पर बनी है, न्यूज़पेपर भी एक तरह से होते हैं वो एमएस वर्ड पर तैयार की जाती है, ठीक है। पर कैसे वो आपको अगले कोर्स में पता चलेगा, ठीक है। तो जहां पर आप इन वीडियो को देख रहे हैं और जिस कोर्स को आप यहां पर बाय कर रहे हैं वहीं पर आपको अगला जो एमएस वर्ड का जो कोर्स है पूरा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर अभी नहीं, थोड़ी देर, ठीक है, थोड़े दिन बाद आपको वहां यहां पर ही एमएस वर्ड का जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में जो भी आप देखते होंगे, नॉर्मली मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल में एक बच्चा है, ठीक है, उसका जो डाटा होता है वो नॉर्मली फादर नेम, मदर नेम, टीचर नेम, सब्जेक्ट, ये सारा डाटा एक रजिस्टर में होता है ना, ठीक है। उसी तरीके से हम भी यहाँ पर जो भी बच्चे का डाटा है, स्कूल का डाटा, वो भी एक तरह से रजिस्टर में रख सकते हैं, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अगर आप बैंक में, ठीक है, बैंक में आपको फाइनेंस के फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी होंगे समझने, ठीक है। इसके साथ साथ लॉजिक, टैक्स, ये जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, ये चीजें होती हैं, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको, देखिए, अगर आपको एक्सेल आ गया, बहुत अच्छी तरह एक्सेल आ गया, तो आप नॉर्मली एक अच्छे से अच्छी पोस्ट पर वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सिखाएगा, तो नॉर्मली कोई नहीं सिखाएगा, हम जरूर सिखाएंगे, ठीक है, कोई सिखाए या ना सिखाए, तो कहां पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, प्यारे से ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, वहीं पर हम इन चीजों को सीखने वाले हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आपको एक्सेल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कोर्स, 3-4 घंटे का जो एक्सेल के ऊपर जो कोर्स होगा वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, तो भागना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंट, ठीक है, पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट देखा होगा आपने, एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन आपने मूवी देखी होंगी, नॉर्मली बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, यूट्यूब भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ठीक है, यूडीमी हो गया, और भी अदर प्लेटफॉर्म है बहुत बड़े, उनमें आपने वीडियो देखी, कुछ एनिमेशन की वीडियो हैं, कार्टून जैसी मूवियाँ होती हैं, वो कहाँ पर बनाई जाती हैं, नॉर्मली यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी कार्टून्स की मूवी होती हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, एनिमेशन की जितनी मीडियम मूवी होती है वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है। इस टूल्स की हेल्प से हम एनिमेशन मूवी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कोर्स ही है, ठीक है, हाँ यार, तो इसका भी हम एक तरह से कोर्स बनाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी, जितना टाइम हो सके, हम आपको जल्दी जल्दी अवेलेबल इसका कोर्स करवा देंगे, ठीक है। तो आप जान गए होंगे किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रेश क्यों करना, जब भी आप कोई भी नई चीज को, ठीक है, जब भी आप नया कंप्यूटर लेते हैं, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आप 2 या 3 मिनट तक यूज करने के बाद 1 सेकंड के लिए रिफ्रेश करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे क्या होता है, हमारे जो भी हमारा कंप्यूटर वायरस होते हैं, एक तरह से हम वायरस ही बोले, वो थोड़ा रिमूव होना शुरू हो जाता है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये
रिफ्रेश करना हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जो भी सिस्टम है बहुत ज़्यादा तेज होने शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ इसलिए रिफ्रेश करना आप भूले नहीं। इसी के साथ साथ मैं आपको नई चीज़ सिखा देता हूँ, तो अभी मैं आपको एक नया फोल्डर बनाना सिखाता हूँ और उसमें कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो आपको अभी मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है, क्या बनाना, अगर आपको अपनी स्क्रीन, ठीक है, आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पर अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना तो कैसे बनाएंगे, मान के चलते हैं पहले आप अपने माउस है, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, माउस है, तो उसके रेड बटन को क्लिक करिए, कर दिया आपने राइट बटन क्लिक, ठीक है। अब आप देख रहे हो कुछ ऑप्शन देख रहे होंगे, ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से कुछ पहले जो ऑप्शन है आप यहाँ से अपना रिव्यू चेक कर सकते हैं, मतलब कि आप आइकन को लार्ज दिखना चाहते हैं, स्मॉल दिखना चाहते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ रिफ्रेश, ठीक है, न्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं न्यू, ठीक है, न्यू पे आप देख रहे होंगे बहुत सी चीजें हैं, ये चीजें हम यहाँ पर स्क्रीन पर ला सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। इसी के साथ साथ मुझे क्या बनाना था, मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं नए फोल्डर पे क्लिक कर देता, देखो नया फोल्डर बन गया, इसको मैं पहले मूव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये। अब इसके साथ साथ मैं आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाता हूँ, मान लेते मैं अपनी लाइब्रेरी में चला गया, एक फोटो ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो हमारे एक फोटो मान लेते हैं, हम ये फोटो लेते हैं, ठीक है, अब इस फोटो पर क्लिक कर दिया मैंने, अब क्या करूँगा, नॉर्मली मैं करूँगा राइट बटन क्लिक, तो राइट बटन जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कोई कॉपी का ऑप्शन है, यस कॉपी का ऑप्शन भी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, कॉपी कर दूंगा, कॉपी कर दी, अब इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, और डायरेक्ट मैंने कौन सा फोल्डर करा था, ये दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आप समझ, तो यहाँ पर देखते हैं फोटो आ चुकी, यस वो फोटो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, दोबारा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखिए वो फोटो यहाँ पर आ चुकी है, तो आप समझो किस तरीके से एक नया फोल्डर बनाया जाएगा और कॉपी पेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कोई भी चीज को कट करना सिखाता हूँ, मान लेते मुझे इस फोल्डर को कट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और कट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है, पहले मैं कट करता हूँ, कट कर दिया, अब कट करने से क्या हुआ, कट करने से ये हुआ कि जो वो चीज़ थी ना वो यहाँ पर आ जाएगी, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आगे वो चीज़ और वहाँ से वो कट हो गई है, देखिए कट हो गई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ को कट कर सकते हैं और वहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमें कॉपी नहीं करना है, ठीक। इसी के साथ साथ मैं और चीज़ें देखता हूँ, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक। इसके बाद हम मान लेते हैं ये फोल्डर है ये वाला, ठीक है, कंप्यूटर का। अब मैं यहां से एक फोटो को डिलीट करना सिखाता हूं आपको मैं, ठीक है, या और कुछ चीजें, जैसे कि मैं फोटो को डिलीट करता हूं यहां से, ठीक है, कोई भी चीज को हम डिलीट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम इस चीज को डिलीट करते हैं, ठीक है, क्लिक किया और यहां से हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। पर ये याद रखना जो हमारी चीजें जो डिलीट होती हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फोटो आ गई वापस जो मैंने अभी काटी थी, ठीक है, यहाँ पर इसको दोबारा काटना है, डिलीट किया और कट, अब हमारी जो फोटो थी वो परमानेंटली डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी क्या किया, डिलीट करना सीखा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी चीज को सुनना है, अगर आपने कोई अपने डेस्कटॉप में गाने सुनने हैं तो कैसे सुनेंगे, वही आपने प्लेयर है, ठीक है, अगर आपको प्लेयर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो PL लिखा तो अपने आप ही सबसे ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया और इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। पहले मैं यहाँ पर इस जो, तो यहाँ पर मेरी कुछ, ठीक है, वीडियो है, पर मुझे वीडियो नहीं सॉन्ग देखना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉन्ग, ठीक है, तो ये हमारे सॉन्ग आ गए, तो यहाँ से मैं अपना एक सॉन्ग, ठीक है, तो बजना शुरू हो गया, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, तो इस तरीके से हम अपना सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। अब अंत में हम सीखते हैं किस तरीके से हम अपनी जो भी हमारी जो विंडो है, ठीक है, हमारा जो डेस्कटॉप है, इसको शट डाउन कैसे करना है, क्या करना है, शट डाउन कैसे करना है, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में
लिख सकती हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है या आपको कुछ चीज़ें जाननी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या जानना है कंप्यूटर के अंदर और भी कुछ, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में हम पूरा बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट करिए। तो यहाँ से हम शट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ चुके शट डाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम शट डाउन कर देते हैं, क्लिक किया, जानना है कंप्यूटर के अंदर और भी कुछ, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में हम पूरा बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट करिए। तो यहाँ से हम शट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ चुके शट डाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम शट डाउन कर देते हैं, क्लिक किया, तो हमारा, ठीक है, हमारी ये क्या विंडो शट डाउन हो चुकी है, मतलब कि बंद हो चुकी है, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज हमेशा याद दिलाता हूँ कि जब भी आप शट डाउन करें, क्या करें, जब भी आप शट डाउन करेंगे तो हमेशा याद रखना आपकी जो स्क्रीन है वो तो ऑन रहेगी, पर जब भी आप शट डाउन करते हैं तो आप बंद क्या होता है, आपका सीपीयू होगा, ना कि आपकी स्क्रीन, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो धन्यवाद।